Hi, I am Jyoti. Last video में present continuous tense हमने start किया था, जिसमें मैंने structure तक आपको बता दिया था. इस video में मैं इसका second part, यानी कि spelling changes, कुछ common mistakes and आप लोगों से solve करवाऊंगी एक practice exercise. So let's start. तो अभी हमने तीनों types के sentences के structure सीख लिए हैं, लेकिन WH family में कुछ exception भी होते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने who का मैं बता रही हूँ, who, which, whose, how many and हाउ मच, क्या एक्सेप्शन होते हैं देखते. सबसे पहले मैं लेती हूँ हू, ठीक है. मुझे कौन बुला रहा है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, हू इज कॉलिंग मी. मैंने हमेशा आपको एक चीज बताई है, क्वेश्चन वर्ड. उसके बाद हमारा क्या स्ट्रक्चर होता था, सब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट नहीं है, मतलब क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट होता था ना, वॉट इज ही डूइंग, वॉट आर यू डूइंग, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, वॉट आर यू डूइंग, सबसे पूछते हैं हम व्हाट आर, ठीक है आर हो गया. फिर इसके बाद यू है नहीं, इसके बाद डायरेक्ट वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया. तो हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम सब्जेक्ट पर ही क्वेश्चन तो कर रहे हैं. जैसे सपोज मैं लिख रही हूं राम मुझे बुला रहा है, राम इज कॉलिंग मी. अब हमने राम जो सब्जेक्ट है उस पर ही क्वेश्चन कर दिया, इसलिए वो मैं सेंटेंसेस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है. हु इज कॉलिंग मी, इसलिए देखिए डायरेक्ट एक तरह से आप ये हटा दीजिए, तो ये देखिए सिंपल अफर्मेटिव वाला रूल ही फॉलो करते हैं. यहाँ पर अगर ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है हु, ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट होता नहीं, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, आईएनजी लगता है, मतलब मेन वर्ब जो भी होती है, ठीक है. इसलिए ये हमने एक्सेप्शन में रख दिया है, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें नहीं होता, क्योंकि हम सब्जेक्ट को ही क्वेश्चन बना लेते हैं. हु होता है इंटरोगेटिव है, लेकिन एक्ट बिल्कुल ऐसे करता है अफर्मेटिव या नेगेटिव की तरह. देखिए अब इसका नेगेटिव देखिए, मुझे कौन नहीं बुला रहा है, जनरली मैंने ऐसे ही लिख दिया, ऐसा सेंटेंस नहीं पूछेंगे मुझे कौन नहीं बुला रहा है, हमेशा ही पूछते हैं. लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए, बाई चांस कोई नॉट वाला आ गया तो क्या करोगे आप, तो इसके बाद हु इज नॉट कॉलिंग मी. मैंने आपको हमेशा बताया था जो इंटरोगेटिव होते हैं उसमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट नहीं होता, नेगेटिव में आता है. लेकिन नहीं, जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो हम उसको स्किप कर देंगे, सब्जेक्ट है ही नहीं तो ये नेगेटिव का रूल फॉलो करेगा, हु इज नॉट कॉलिंग मी. ये एक्सेप्शन होता है इसका, मेन इसका एक्सेप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ज्यादा पड़ता चलता है अफर्मेटिव में, क्योंकि उसमें क्या है कि वर्ब जो है हाइड हो जाती है ना. मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप रीजन कर सको, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ होता है, भूल गए हो, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर जरूर देखते रहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है. तो मैं आपका बीच बीच में रिविजन भी करवाती रहती हूँ, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती उसमें हमें ज्यादा पता चलता है अफर्मेटिव का, इसमें तो क्या हम बोल सकते हैं स्किप कर सकते हैं, ठीक है. प्रीवियस वीडियोस में मेरे जाके जरूर देखिए कैसे, तो ये हमारा एक्सेप्शन में आता है. अब देखते हैं कुछ एक्सेप्शन, विच, हूज, हाउ मैनी एंड हाउ मच, ठीक है. उनको आपने देख लिया उसका सब्जेक्ट नहीं होता. अब इसमें क्या होता है, तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो, किसकी किताब मतलब किसकी मतलब हूज, ठीक है. तो जो ये वाले सेंटेंसेस होते हैं, मतलब ये वाली जो WH families, जो ये वाले क्वेश्चन वर्ड जहां भी लगते हैं, which, whose, how many and how much, ये क्वेश्चन वर्ड कभी भी अकेले नहीं लगते, जैसे what, where लगते हैं. इनसे रिलेटेड जो भी नाउन होता है, जैसे तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो, तो ये पूरा ही क्वेश्चन वर्ड बन जाता है, केवल whose नहीं लगेगा, पूरा whose book आता है. ये बात आप ध्यान रखना, जैसे कि तुम कितनी किताबें पढ़ रहे हो, इसमें मैंने हाउ मेनी लगा दिया कितनी के लिए, तो कितनी नहीं कितनी किताबें इज अ क्वेश्चन वर्ड, यानी हाउ मेनी बुक्स इज अ क्वेश्चन वर्ड, नॉट हाउ मेनी ओनली. तो उससे रिलेटेड नाउन भी आ जाता है, इसलिए मैंने एक्सेप्शंस में लिया है. जब नली क्या होता है, ऐसे होता है ना, हूज देन हेल्पिंग, ये पूरा ही क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है. बाकी सेम ही रूल फॉलो करता है, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, सेम क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब. बस क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन वर्ड अकेला नहीं रहता, उसके बाद सब्जेक्ट बिल्कुल वही रूल फॉलो करता है. जैसे हम वेयर में करते हैं, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग, तो कितनी किताब है,
ये आपको ध्यान रखना है, कहीं ऐसा मत कर लेना हुज आर यू रीडिंग बुक, नो कम्प्लीटली रॉन्ग। मैं आपको हर बार बताती हुई आ रही हूँ, हर वीडियोस में आप कभी भी देखोगे तो मैं एक एक एग्जांपल ये वाले जरूर देती हूँ, हु का और एक ऐसा जिसके साथ हम नाउन लगाते हैं। अच्छा तो तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो, हुज बुक आर यू रीडिंग। तुम कितनी किताबें पढ़ रहे हो, इसी को मैंने चेंज कर दिया समझाने के लिए, हाउ मैनी बुक्स आर यू रीडिंग। अब मैंने क्यों लिया ये वाला एग्जाम्पल, कितने की दो होती है, हाउ मैनी मैंने इधर लिखा है, हाउ मच और दोनों के मतलब कितना है, तो हाउ मैनी का लगता है और हाउ मच का लगता है। हाउ मैनी कहाँ पर लगता है, हाउ मैनी यूज होता है काउंटेबल चीजों के साथ जिनको हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 जैसे बुक्स है, 1 book 2 book 3 book 4 book 5 book इस टाइप से, और हाउ मच जो अनकाउंटेबल चीज होती है, मिल्क 1 milk 2 milk नो। अगर मैं यहाँ कहती तुम कितना दूध पी रहे हो, जैसे हाउ मच मिल्क आर यू ड्रिंकिंग, मच यूज होता है, हाउ मच वाटर, हाउ मच जूस, लाइक दिस। ओके इस टाइप से हम यूज करते हैं, इसलिए मैंने एक एग्जांपल हमेशा लेती हूँ काउंटेबल चीजों के साथ हाउ मेनी और अनकाउंटेबल आइटम्स के साथ हाउ मच। ये मिस्टेक्स मत करना, दोनों का ही मीनिंग सेम होता है, दोनों का ही रूल सेम होता है, लेकिन सेंस चेंज हो जाता है यूज करते समय। अच्छा इसको मैं नेगेटिव में भी बात कर लेती हूँ, तुम किसकी किताब नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसी हूज बुक आर नॉट यू रीडिंग, नो हूज वाला नहीं, आर यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद ही, लेकिन इसमें किसी किसी केस में क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता तो कोई बात नहीं हम स्किप कर देंगे, नहीं होगा तो, पर इसमें तुम कितनी किताबें पढ़ रहे हो, हाउ मेनी बुक्स आर नॉट, नो आर यू नॉट। तो ये आपके कंप्लीट हो गए इधर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, स्पेलिंग चेंजेस। जैसा कि अभी मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप लोग देख रहे हैं हम लोग आईएनजी यूज करते हैं, तो आईएनजी के टाइम कभी कभी स्पेलिंग चेंज भी हो जाती है, कभी नहीं भी होती, ओनली आईएनजी लगता है, कभी कुछ रिमूव करके आईएनजी लगाना पड़ता है, तो देखते हैं कैसे चेंजेस होती है। वर्ब्स एंडिंग विद ई, कुछ ऐसी वर्ब्स जो ई से एंड होती है, मतलब जिनके लास्ट में ई आता है, जैसे कम टेक, तो उसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, एड आईएनजी एंड रिमूव ई, सबसे पहले ई को रिमूव करेंगे, ठीक है, उसके बाद आईएनजी लगाएंगे। जनरली मिस्टेक होती है सी ओ एम ई आई एन जी, हम ओनली आईएनजी लगा देते हैं, रिमूव नहीं करते, नो फर्स्टली रिमूव ई एंड देन एड आईएनजी, लाइक कम कमिंग, टेक टेकिंग, लिव लिविंग, गिव गिविंग, लाइक दिस। सेकेंड है सी वी सी, ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में जब फर्स्ट फॉर्म कैसे चेंज, सेकेंड फॉर्म जब कन्वर्ट करवाया था तब भी बताया था, कॉन्स्टेंट वोवल एंड कॉन्स्टेंट हो, ठीक है, सी मतलब कॉन्स्टेंट और बी मतलब वोवल्स, वोवल्स मीन्स ए ई आई ओ यू, दीज देर आर 5 वोवल्स इन अल्फाबेट, ओके रेस्ट आर कॉन्सोनेंट। तो डबल कर देते हैं लास्ट लेटर को और एड क्या करते हैं उसमें आई एन जी, देखिए कैसे, सी ये कॉन्सोनेंट है एंड दिस इज बी वॉबल एंड दिस इज कॉन्सोनेंट, दिस इज कॉन्सोनेंट बॉबल कॉन्सोनेंट। अच्छा तो 3 वाली, अब एक 4 का भी लीजिए जिसमें 4 लेटर्स है, तो हमें सिर्फ इतना ही देखना है, ये देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 लेटर, लास्ट 3 लेटर्स, कॉन्सोनेंट बॉबल एंड कॉन्सोनेंट, यानी जिसमें बीच में बॉबल आ रहा हो लास्ट से देखना है और आस पास कॉन्सोनेंट आ रहे हो उसमें हम क्या करते हैं, जो लास्ट लेटर है उसको डबल करते हैं, रिमूव वगैरह नहीं करना, डबल करना है और एड करना है आई एन जी। जैसे सिट, इसमें लास्ट लेटर क्या है, टी, टी को कर देंगे डबल और लास्ट में एड कर देंगे आई एन जी, एन को कर देंगे डबल रन में और लास्ट में ऐड कर देंगे आई एन जी, कट में कटिंग, क्लैप में क्लैपिंग, इस तरह से। अच्छा जो वर्ब्स वाई या फिर डबल एल से लास्ट होता है, मतलब जिनके लास्ट में, जिन वर्ड के लास्ट में या वर्ड के लास्ट में डबल एल और वाई लगता है इससे फिनिश होती है, उसमें बस आई एन जी लगा देना है, कुछ भी रिमूव नहीं करना, कुछ भी एड नहीं करना, केवल आई एन जी लगा देना, बहुत ही सिंपल होती है इस टाइप। जैसे किन, लास्ट क्या है इसका, डबल एल, ठीक है, फ्लाई, इसमें लास्ट किससे हो रहा है, वाई से,
टेल, इसमें लास्ट किससे हो रहा है, डबल एल, तो किल का किलिंग, ओनली एड आईएनजी, फ्लाई का फ्लाइंग, टेल का टेलिंग, ओनली वी आर एडिंग आईएनजी। और एक और बहुत ही कॉमन वर्ब रह गई जो जनरली यूज होती है, प्ले, पी एल ए वाई, प्ले आईएनजी, क्योंकि लास्ट किससे हो रहा है, बाई से। वर्ब्स एंडिंग विद बीवीसी, जब उसमें सीवीसी था, इसमें क्या लास्ट में तो कॉन्सोनेंट होगा लेकिन उसके पास दोनों बॉबल बॉबल ऐसे होंगे, मतलब हमें सिर्फ लास्ट थ्री लेटर देखने हैं, लास्ट से फर्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट, उसके बाद फिर हम चल रहे हैं लास्ट से चल रहे हैं बॉबल एंड बॉबल। कौन सी वर्ब होती है, देखिए ये स्लीप, स्लीप में लास्ट ये क्या है, कॉन्सोनेंट, बॉबल बॉबल, कॉन्सोनेंट, बॉबल एंड बॉबल, यानी दो बॉबल और एक कॉन्सोनेंट, हम लास्ट से चलते हैं लेकिन स्टार्ट हमें लास्ट से देखना करना है। इधर से मत कर देना, इधर से गलत हो जाएगा, इधर से कोई पैटर्न नहीं बनता, पैटर्न हम जो बनाते हैं वो लास्ट से ही बनाते हैं। तो उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, ऐसी वर्ब में भी आईएनजी, स्लीपिंग, वेटिंग, मीटिंग, इस टाइप से, ठीक है। बहुत वर्ब्स हो सकती है, मैं जस्ट कुछ ही वर्ब के एग्जांपल दे रही हूँ जो बहुत ही ज्यादा यूज होती है, ठीक है। अच्छा, अब वर्ब जिसके एंड में आई ई लगता है उसमें क्या करते हैं, आई रिमूव कर देते हैं, ध्यान से सुनिए, आई और ई को रिमूव कर देना है, लास्ट के दोनों लेटर रिमूव करने हैं, और उसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे वाई, देन आई एन जी, यानी वाई आई एन जी ऐड करेंगे। अब तक हम सब में आई एन जी ऐड कर रहे थे, इसमें लेकिन सबसे पहले रिमूव, इसमें सारी काम होंगे, देखिए इसमें बस ई रिमूव कर देना आई एन जी, इसमें एड आई एन जी करना था, डबल करना था लास्ट लेटर को, उसमें आई एन जी, इसमें सबसे पहले हमें रिमूव करना है, ठीक है। आई आपने रिमूव कर दिया, लेकिन केवल एड आई एन जी नहीं करना, वाई आई एन जी, जैसे लाई, लाई बहुत ही कॉमन वर्ड है झूठ बोलना, आई ई लास्ट पर से फिनिश हो रही है, तो रिमूव क्या कर देंगे हम आई ई को, और एड क्या करेंगे, एल आई एन जी, नो, एल वाई आई एन जी, ऐसी डी आई डाई, रिमूव आई, ठीक है, लेकिन एडिंग डी वाई आई एन जी, वाई आई एन जी, वाई और एड हो रहा है इसमें, टाई, टी वाई आई एन जी। तो ये कुछ कॉमन वर्ड, इनके अलावा और भी होती है वर्ड, जैसे कुक, कुकिंग, ओनली उसमें हम ऐड करते हैं आई एन जी, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकती है वर्ब। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको अपने आप लर्न होती जाएंगी, फिर आपको ये ज्यादा फॉलो करने की जरूरत है, इतनी वर्ब्स लर्न हो जाती है हमें, ठीक है। सपोज कोई भी वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और आपको उसमें आईएनजी ऐड करना है, आपको कुछ भी क्वेश्चन दिया और आप उसमें कंफ्यूज हो ना, तो आप इन फाइव में से पहले पैटर्न बना के देखिए क्या कोई भी पैटर्न उसमें मैच हो रहा है, और फिर ये फॉलो कीजिए, पहले ये बना के देखिए, और अगर लर्न हो गया है जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखने की भी लास्ट में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गए आपके स्पेलिंग चेंजेस, ये फाइव टाइप्स से मैंने बताए। इसके अलावा भी वैसे मैंने बोला कुक, लर्न, लर्न का लर्निंग, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, टीच, टीच का टीचिंग, इसमें सब में आईएनजी लग रहा है, इस तरह से। सी द कॉमन मिस्टेक इन दिस टेंस, हम इस टेंस में कौन सी कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले स्टेटिव वर्ब, मैंने आपको बताया था स्टेटिव वर्ब कौन सी होती है, डायनेमिक वर्ब कौन सी होती है, डायनेमिक वर्ब जिसमें एक्शन शो होता है, कोई भी हम काम कर रहे होते हैं एक्शन शो करते हैं, स्टैटिक वर्ब एक्शन शो नहीं करती, जो इसकी स्टेट शो करती है। जैसे हम मैं सेंटेंस देकर समझती हूँ, वी आर लाइकिंग दिस शो, इज इट करेक्ट, नो, हम ये शो पसंद करते हैं, वी नेवर से कि हम ये शो पसंद कर रहे हैं, इस टाइप से। तो ये हेल्पर हो गई, जैसे हेट करना, लाइक करना, लव करना, किसी को डिसलाइक करना, इमोशन जो भी शो होते हैं उसमें कभी भी हम आईएनजी नहीं यूज करते, और आईएनजी यूज नहीं करते तो मींस कंटिन्यूअस टेंस को भी यूज नहीं कर सकते, तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। जैसे वी आर लाइकिंग दिस शो रॉन्ग एंड दिस इज राइट, वी लाइक दिस शो, हम ये शो पसंद करते हैं, वी लाइक दिस शो, We are liking this show completely wrong. Stative verb कभी भी continuous tense में use नहीं होती है. Like is a stative verb. Spelling. अभी मैंने spelling changes जैसे इससे पहले बताया, तो उसमें बताइए क्या spelling mistake है. She is not lying. मैंने लिख भी दिया she is not lying. मैंने बताया था L I E. इसकी form ये क्या L I E.
इसकी जो मेन वर्ब है वो LIE है, लाए, झूठ बोलना, और उसमें ING लगा दिया है। बट नो, मैंने आपको क्या बताया था, जो IE से लास्ट होते हैं जिन वर्ड लेटर या जिन वर्ब के लेटर, उसमें हम सबसे पहले तो IE को रिमूव कर देते हैं। यानी कि देखिए, ये जैसे LIE ING आप लिख रहे हो, फिर LIE, तो उसमें से आप ये रिमूव कर दोगे और Y हम ऐड कर देते हैं, और इसके आगे ING, यानी YING हम ऐड करते हैं, टोटल आई हटा के YING, जिन वर्ब के लास्ट में आई लगा होता है, तो बन गया ना LYING, यानी कि करेक्ट। अब वर्ब में हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं, राम एंड श्याम इज स्टडिंग या राम एंड श्याम आर स्टडिंग। मैंने आपको बताया था नेम जो होता है वो सिंगुलर होता है, और उसके साथ हमेशा इज यूज करते हैं ना, ही शी इट, इन सबके साथ। तो फिर ये मैंने दोबारा क्यों लिखा आर स्टडिंग, तो फिर कैसे, आई थिंक फर्स्ट राइट है, सेकंड रॉन्ग है। नो, दिस राम एंड श्याम आर प्लूरल, क्योंकि राम अकेला सिंगुलर है, श्याम अकेला सिंगुलर है, लेकिन अगर दो जने से बात कर रहे हो, जब एक से ज्यादा दो लोगों की बात होती है, किसी भी दो चीजों की बात होती है, तो वो प्लूरल बन जाते हैं। राम एंड श्याम आर टू पर्सन, डिफरेंट पर्सन, तो राम एंड श्याम आर स्टडिंग, इसलिए प्लूरल के साथ आर लगाते हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, ये कॉमन मिस्टेक होती है। राम एंड श्याम दो नाम है, ध्यान रखिएगा, प्लूरल है, कभी कभी बस श्याम है तो स्टडिंग नेम के। नो, मिसिंग वर्ड आई रीडिंग अ बुक, सिंपल, आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, आई एम रीडिंग अ बुक, सिंपल। कुछ 7 sentences लिखे हैं इधर, अब आप लोगों को बताना है सभी सेंटेंसेस में मैंने कुछ इनकरेक्ट लिखा है और आपको उसको करेक्ट करना है। सबसे पहले तो ये देखना है क्या इसमें करेक्शन होगा। इससे पहले मैंने आपको भी कॉमन मिस्टेक्स बताई थी, तो उसके बेस पर ही ये है आपको हर की क्या क्या हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, लेकिन इसमें आपको पहले ये भी पहचानना है कि कॉमन मिस्टेक है क्या और फिर इसको करेक्ट करना है। तो मैं आप सबको एक एडवाइस देना चाहूंगी, पॉज माई वीडियो फॉर 10 minutes एंड सॉल्व दीज सेंटेंसेस और करेक्ट दीज इनकरेक्ट सेंटेंसेस, इनकरेक्ट सेंटेंसेस को खुद ही करेक्ट करिए। पहले मैं इधर बताना स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले आप नोट करिए ये सेंटेंसेस खुद करिए, और इसके बाद फिर चेक करिए, इससे आपको क्लियर होगा कि अब तक जो भी टेंस में आपने पढ़ा है या सीखा है आपको कितना समझ आया है, और जहां पर भी आप मिस्टेक करते हो, करेक्शन नहीं ढूंढ पाते हो, वहां पर आप दोबारा उस टॉपिक पर जाइए वीडियो में और फिर से देखिए, फिर आपको फिर से समझ आ जाएगा वो, ठीक है। बट प्लीज, ये एक्सरसाइज केवल प्रैक्टिस के लिए ही है, सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए, भले ही सब गलत हो, ऑल सेंटेंसेस आर रॉन्ग, इफ ऑल सेंटेंसेस आर देन ओके, अब शुरू से स्टार्ट कीजिए पर चेक कीजिए, ठीक है। मैं इधर स्टार्ट कर रही हूँ, लेट्स स्टार्ट। दे आर हैविंग अ कार, सबसे पहले उनके पास एक कार है, दे आर हैविंग अ कार, इज इट करेक्ट, सबसे पहले नो, मैंने आपको बोला है कि मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स में लिखी है तो आपको करेक्शन करना है, तो इसमें क्या मिस्टेक है, ING भी लग रहा है, अफर्मेटिव का रूल सेंटेंस है, रूल भी फॉलो कर रहा है, तो क्या मिस्टेक है इसमें स्टूडेंट्स। आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने आपको स्टेटिव वर्ब बताया था कुछ, और कॉमन मिस्टेक में भी स्टेटिव वर्ब का बताया, यूज नहीं होती ING में, और ये है क्या है, स्टेटिव वर्ब है ना, और इसमें मैंने ING लगा लिया, तो रॉन्ग है ना से, और ये क्या शो कर रहा है, पहले तो आप सेंटेंस देखिए कि स्टेटिव उनके पास एक कार है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है कार, या फिर दे कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं अभी कि दे आर डूइंग या दे आर ड्राइविंग अ कार, नो, दे आर जस्ट हैविंग अ कार, अभी भी है उनके पास कार है, कोई एक्टिविटी शो नहीं हो रही, तो स्टेटिव वर्ब हो गई ना, तो स्टेटिव वर्ब में हम नहीं यूज करते प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, तो सबसे पहले यहां से ये आर कट जाएगा और क्या लगेगा, दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है, दे हैव अ कार, और हैव का मैंने आपको बताया था ये डायनेमिक की तरह भी वर्क करती है और स्टैटिक की तरह भी वर्क करती है, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझना पड़ता है, सेंटेंस में कोई एक्शन शो हो रहा है तो उसका मतलब वो डायनेमिक वर्ब की तरह बिहेव करेगी, सेंटेंस में कोई एक्शन शो नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पर कोई एक्शन शो नहीं हो रहा, हमसे बता रहे उनके पास कार है, तो वो स्टैटिक वर्ब की तरह करेगी, आपको समझना पड़ेगा।
Second, how much milk the child drinking? Something is missing. How much milk? कितना दूध? इसके बाद helping verb ना, क्योंकि ये क्या बताया था ना मैंने, how much कभी अकेला नहीं रहता, how much, how many, और इसके साथ लगता है. और एक और चीज देखिए, मैं आपको यहाँ फिर से बता देती हूँ, how much लगा है इधर. मैंने how many का आपको example दिया था ना, कितना और how much का मतलब भी होता है, लेकिन मैंने कहा था जो चीज अनकाउंटेबल होती है, मिल्क और फिंगर्स पर काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3, तो हाउ मच आपने यूज किया है, अनकाउंटेबल चीज है, इसलिए हाउ मच. ये भी चीज आप देखिए, कभी कभी ये भी मिस्टेक बच्चे करते हैं स्टूडेंट आप लोग, ठीक है. और यहाँ पर क्या था, मेन वर्ब मिसिंग थी, इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग, हमेशा मेन वर्ब आएगी सब्जेक्ट से पहले इंटरोगेटिव में. आर नॉट यू राइटिंग अ लेटर, ये तो आपको समझ आ गया होगा, इनकरेक्ट. कैसे, इंटरोगेटिव है ना, और इंटरोगेटिव के बाद, और इंटरोगेटिव में अगर नॉट हो तो नॉट कहां लगता है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद. आर यू नॉट, आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, मैंने बताया था जब मैं इंटरोगेटिव बता रही थी, और उसमें मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल भी देखी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वीडियो में जाइए आप, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस पर, उसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस आप देखिए. हूज इज ही रीडिंग बुक, करेक्ट और नॉट, इनकरेक्ट तो है, मैंने बोल दिया. क्या बोला था, हूज बिच हाउ मेनी हाउ मच, कभी अकेले नहीं रहते, इनके साथ जो नाउन है उसके साथ लगता है, यानी बुक इधर नहीं आएगा, बुक किधर आएगा, इधर. हूज बुक इज ही रीडिंग, दे आर कटिंग द ट्रीज, आई थिंक इट इज करेक्ट, वे पेड़ काट रहे हैं, मैंने अभी स्पेलिंग चेंजेस बताया था, ठीक है. देखते जाइए आप अपनी क्या क्या मिस्टेक निकाली है, इसमें शायद आपको लग रहा होगा सबसे ये तो करेक्ट ही है, गलती से मैम ने लिख दिया है या ऐसी बोल रही है, ठीक है. नहीं, और मैंने आपको क्या बताया था, ये कट, इसकी जो फॉर्म है वो क्या है, कट, सी यू टी, कट, कट से कटिंग बनाए, ठीक है, मेन वर्ब जो है. तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था, ये क्या है, कॉन्सोनेंट, और ये क्या है, वॉवल, और ये क्या है, कॉन्सोनेंट. तो ये वाला रूल जो फॉलो करता है उसमें हम डबल कर देते हैं लास्ट लेटर को, ठीक है, तो सी यू टी टी यानी डबल टी, और एड कर देते हैं आई एन जी, दिस इज करेक्ट, दे आर कटिंग द ट्रीज. पॉल्यूशन इंक्रीजेस डे बाय डे, सबसे पहले तो ये टेंस ही गलत है, ये कौन सा टेंस यूज किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन इसका मतलब पता क्या हो जाएगा, कि ये साइंटिफिक ट्रूथ है कि पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता ही है. नो, आजकल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग डे बाय डे, इस टाइप से बताया था ना, जो स्लो प्रोसेस होती है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, और इस समय हम पढ़ा भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा, इज, सबसे पहले पॉल्यूशन इज, और इधर इंक्रीजिंग, ठीक है. देखा कितना चेंज हो गया, मेन वर्ब लग गई, टेंसेज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, याद करिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं याद आ रहा तो प्रीवियस वीडियो में जाइए, ये ऐसे ही यस जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है. मैं आपको बार बार इसलिए एग्जांपल देती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आपका बार बार रिवीजन होता है, इसलिए मैं हमेशा कंपेयर करवाती रहती हूँ, उसमें आपने ये पढ़ा था, फॉर्मेटिव में ये पढ़ा था, पास्ट में ये पढ़ा था, अब इसमें हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है. शी, तो पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, करेक्ट. शी गोज टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये भी कुछ वेंट टू यूज में याद आ रहा है आपको, ये भी वेंट टू यूज का है, ये भी वेंट टू यूज, ठीक है. उसको आप ऐसे मत समझे, ऐसे ही बताते हो, देखिए यहाँ पर अप्लाई हो गया ना, ये वो नेक्स्ट वीक दिल्ली जाती है, नो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, मैंने आपको बताया था फ्यूचर टाइम वर्ड के साथ हम यूज करते हैं कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, जैसे आई एम गोइंग टू बिल्ड द हाउस, प्लैंड फ्यूचर, ये इसका प्लैंड फ्यूचर है, या फिर नियर फ्यूचर, जो आने वाला फ्यूचर है डिसाइड कर लिया है, प्लान कर लिया है उसने, तो वो नेक्स्ट वीक दिल्ली जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में उस तरह से करेंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हम इज गोइंग लगाकर यूज करते हैं. यहां पर क्या आएगा, इज गोइंग, शी हेल्पिंग वर्ब इज, शी इज प्लूरल, गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, फ्यूचर टाइम वर्ड यूज होता है तो उसमें आपने कैसे यूज कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर टाइम वर्ड में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं ना, जैसे आई एम गोइंग टू बिल्ड द हाउस,
मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल भी दिया था, प्लान फ्यूचर, मैं कुछ प्लान कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपका हर कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया, मैंने हर तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। अब कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले आप रिविजन करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया है। चलिए एक एग्जांपल से हम सारे स्ट्रक्चर्स का रिवीजन कर लेते हैं। मैं एक अफर्मेटिव का एग्जांपल लूंगी, उसमें आप मेरी वीडियो, बस ये वाला सेंटेंस नोट कीजिए, ही इज राइटिंग अ लेटर, पॉज माय वीडियो एंड राइट ऑल द सेंटेंसेस नेगेटिव और इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में भी सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, दोनों तरह से आप ट्राई करिए। एक एग्जाम्पल की लास्ट में मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ आपको, ठीक है। ये सब चीजें आप हाइड, ओनली आप सिर्फ ये देखिए, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब खुद आप पहले नेगेटिव और दोनों ही टाइप के इंटरोगेटिव बनाइए, फिर चेक कीजिए कि जो यहाँ पर लिखा है वैसा बना पाए हो क्या, आपने मिस्टेक की, अगर कोई मिस्टेक नहीं है इसका मतलब स्ट्रक्चर इसका आप अच्छे से समझ चुके हो। देखते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर, नेगेटिव, नेगेटिव में नॉट यूज होता है बस, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज होता है, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अच्छा, अब इंटरोगेटिव की, ठीक है, आई होप कि आपने मेरी वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई किया है। देखिए, इससे पहले जो एक्सरसाइज मैं बताती हूँ ना, करेक्ट सेंटेंसेस और एक सेंटेंस लेती हूँ, ये आपको खुद सॉल्व करने की वजह से लेती हूँ, वरना कोई भी फायदा नहीं है अगर पहले आप खुद सॉल्व करिए। चाहे कितनी भी मिस्टेक आए नहीं कर पाओ, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा, इसलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर पढ़िए टेंसेस, फिर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स बैंड परफेक्ट। दोबारा मैं बोलती हूँ, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इसका सिंगल इंटरोगेटिव बनाइए, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यही मैंने स्ट्रक्चर बताया था, इस इसके बाद सब्जेक्ट, राइटिंग अ लेटर यानी वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर इसमें भी हमें नेगेटिव लिखना है तो हम यहां लगाएंगे नहीं, इज ही नॉट, दोबारा बता रही हूं, राइटिंग अ लेटर, अगर हमें से इंटरोगेटिव बनाना है। फिर हमें पूछ लू क्यों लिख रहा है वो, यानी डब्ल्यूएच फैमिली का कोई मेंबर है ना, व्हाई, व्हाई के बाद पूरा देखिए, इज ही राइटिंग अ लेटर, पूरा का पूरा ये आ जाता है ना, आप इसका कोई भी डब्ल्यू एच फैमिली लिख सकते हो, वॉट लिख सकते हो, फिर इसमें लेटर नहीं आएगा, वॉट इज ही राइटिंग, इस टाइप से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। मैंने सब ये अपने जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया है, वाई इज ही राइटिंग अ लेटर। अच्छा, अगर मैं इसमें नॉट लगा दू ना, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, वाई इज ही, तो यहाँ लगाऊंगी वाई इज नॉट, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, इसमें नॉट, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद लगता है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे हु या एक्सेप्शन केस जो होते हैं हु जैसे, तो उसमें हमारा सब्जेक्ट होता नहीं है, इसलिए आपको एक साथ दिखाई देता है, इसमें आपको कंफ्यूज मत होना, अच्छे से मेरा वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा खत्म होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस। अगर आपको मेरी अभी तक की किसी भी वीडियो में, सिर्फ इसमें ही नहीं, किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर पूछिए, और मेरी मेल आईडी पर मुझे आप मेल भी कर सकते हो, मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और उसके पास जो बेल बटन होता है ना, बेल आइकन बटन, उसे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको पता चल जाएगा, आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी, इससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे, ठीक है स्टूडेंट। सो विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, एंड वी विल स्टार्ट न्यू टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।